अखाड़ा में आज बात रूस यूक्रेन युद्ध की, जहां पोलैंड जैसे देश ने, जो कि यूक्रेन से भी जुड़ा हुआ है, बेलारूस से भी जुड़ा हुआ है और उस तरफ नेटो से भी उसके संबंध हैं, पोलैंड ने पूरी दुनिया को एक बड़े खतरे की चेतावनी दी है। पोलैंड ने कहा है कि अगर यूक्रेन रूस से जंग हार गया तो पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की चपेट में आ जाएगी। पोलैंड ने जर्मनी समेत यूरोप के सभी नेटो देशों से यूक्रेन को पूरी सैन्य मदद देने की अपील की है। पोलैंड ने यह चेतावनी किस आधार पर दी है, आइए इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन्स डिफीट मे बिकम अ प्रीलूड टू वर्ल्ड वॉर। क्या यूक्रेन की जंग तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? क्या यूक्रेन की हार के बाद जल उठेगा समूचा यूरोप? क्या यूक्रेन को जला रही जंग आज पूरी दुनिया को भस्म कर देगी? जी हाँ, एक बयान के बाद ऐसे कई सारे सवाल लोगों के मन में उठने लगे हैं और दुनिया दहशत में आ गई है। दुनिया को डराने वाला ये बयान दिया है पोलैंड के प्रधानमंत्री माटोज मोराविकी ने। पहले सुन लीजिए कि मोराविकी ने ऐसा क्या कहा जिससे दुनिया खौफ में है। यूक्रेन की हार तीसरे विश्व युद्ध की एक प्रस्तावना बन सकती है, इसलिए आज यूक्रेन की मदद को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का कोई कारण नहीं है। जर्मनी को यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक की डिलीवरी की अनुमति देनी चाहिए। यूक्रेन आज सिर्फ अपनी आजादी के लिए नहीं बल्कि यूरोप की सुरक्षा के लिए भी लड़ रहा है। मैं जर्मन सरकार से इस युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाने और हर तरह के हथियार की डिलीवरी का आग्रह करता हूं। पोलैंड के प्रधानमंत्री पहले शख्स नहीं है जिन्होंने यूक्रेन में लगी अशांति की आग में दुनिया भर के झुलसने का खतरा जताया है, बल्कि उनसे पहले नेटो प्रमुख भी ये डर जता चुके हैं। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना के चीफ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें सबसे ज्यादा डर रूस से है, क्योंकि रूस अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने भी यूक्रेन की जंग को पूरे यूरोप में फैलने का खतरा जताया था। अगर यूरोपीय देशों को युद्ध में उतरना पड़ा तो नेटो देश होने के नाते अमेरिका को भी जंग के मैदान में आना पड़ेगा। तब दो परमाणु शक्ति वाले देशों के बीच होने वाली महाविनाशक जंग में कोई भी देश अछूता नहीं रह पाएगा। बर्लिन में आयोजित एक सम्मेलन में पोलैंड के प्रधानमंत्री माटोज मोराविकी ने दुनिया भर को थर्ड वर्ल्ड वॉर की चेतावनी देते हुए यूक्रेन की हथियारों से मदद की अपील कर डाली। उन्होंने जर्मनी से लेपर्ड 2 टैंक देने की अपील की और सभी नेटो देशों को इशारों में संकेत दिया कि यूक्रेन को हथियार की मदद करके वो अपनी सुरक्षा का बंदोबस्त करेंगे। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ के बाकी देशों पर हमला न हो, इसलिए यूक्रेन खून बह रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री अलेक्सी रेजनिको ने पिछले हफ्ते एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका देश नेटो के मिशन को पूरा करने के लिए खून बह रहा है, इसलिए अमेरिका ने हथियारों की आपूर्ति की। दरअसल पोलैंड और फिनलैंड यूक्रेन को टैंक देने का वादा कर चुके हैं, लेकिन वो आधिकारिक रूप से जर्मनी की इजाजत का इंतजार कर रहे हैं। जर्मन हथियार निर्माता कंपनी रीन मेटाल के सीईओ अर्मिन पैप्रगर ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि जर्मनी के पास करीब 110 लेपर्ड टैंक हैं, जिनमें 88 पुराने लेपर्ड 1 हैं। इन्हें रिपेयर करने में अरबों रुपए खर्च होंगे। यूक्रेन को जर्मन टैंक देने की खबर पर रूस भड़क उठा था। रूस ने कहा था कि वो जर्मन टैंकों को बाकी पश्चिमी हथियारों की तरह बर्बाद कर देगा। यूक्रेन को पश्चिमी देश हथियारों की अंधाधुंध सप्लाई कर रहे हैं, जिस पर रूस ने कहा था कि पश्चिमी देश इस गलतफहमी में हैं कि वो हथियारों की मदद कर रूस को हरा सकते हैं। रूस ने कहा कि यूक्रेन की जंग भले ही ज्यादा लंबी खिंच सकती है, लेकिन जंग का परिणाम युद्ध शुरू होने से पहले ही तय हो चुका है।
अखाड़ा में आपको बता दें कि व्लादिमीर पुतिन आज कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं, ऐसी खबरें बहुत तेज हैं। क्या ऐलान करने वाले हैं देखने वाली बात होगी, लेकिन अब आइए आपको बताते हैं कि ये लेपर्ड 2 टैंक कितना घातक है। साल 1979 में लेपर्ड 2 बनकर तैयार हुआ। इसका वजन करीब 55.15 टन है। अगर इसके रेंज की बात करें तो लेपर्ड 2 की रेंज करीब 5.5 किलोमीटर है, लंबाई करीब 9.76 मीटर यानी करीब 10 मीटर लंबा यह टैंक है और ऊंचाई करीब 2.5 मीटर है। लेपर्ड 2 की मेन गन 120 एमएम की है, तो वहीं लेपर्ड 2 की मशीन गन 7.62 एमएम की है। लेपर्ड 2 की मेन गन की फायर पावर 42 राउंड है, यानी 42 राउंड एक साथ वो फायर करती है। इसके साथ ही लेपर्ड 2 मशीन गन 4,750 राउंड फायर कर सकती है। ट्रेवर्स रेंज 360 डिग्री है और इस लेपर्ड 2 की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी अपने आप में काफी कारगर और घातक टैंक है। बड़ी खबर आ रही है। अब नेटो के समर्थन वाले यूक्रेन से जंग को जीतने के लिए रूस ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। रूस के रक्षा मंत्री ने ऐलान किया है कि जल्द ही नए सैनिकों की भर्ती की जाएगी, जिसमें रेगुलर के अलावा कॉन्ट्रैक्ट पर जवानों की भर्ती भी की जाएगी। इसके अलावा रूस ने अपनी सेना के तीनों अंगों के साथ साथ स्पेस वॉर यूनिट को मजबूत बनाने का फैसला भी ले लिया है। इससे पहले रूस किराए के फौजियों और कैदियों को हथियार थमाकर जंग के मैदान में भेजता रहा है। अब कह रहे हैं कि नए सैनिक भी आएंगे, साथ में कॉन्ट्रैक्टेड सैनिक भी आएंगे। कहते हैं ताकत का असली अंदाजा तभी लगता है जब ताकत को आजमा कर देखा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क रूस अब तक यही समझ रहा था कि उसकी सेना दुनिया में दूसरी सबसे ताकतवर सेना है। हथियारों के मामले में भी रूस खुद को अमेरिका से कमतर नहीं आता। लेकिन यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद रूस को अपनी सैन्य ताकत का असल अंदाजा लग गया। 11 महीने की जंग के बाद रूस को अब एहसास हुआ है कि उसकी सेना को और ज्यादा ताकतवर होने की जरूरत है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने सेना की ताकत बढ़ाने के लिए यूक्रेन में रूसी सेना के कमांडर जनरल वॉलेरी गेरासिमोव सहित सैन्य प्रमुखों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में रूस की सेना के विस्तार का फैसला लिया गया। बैठक के बाद रक्षा मंत्री सर्गेई ने कहा कि सेना के लिए नए हथियारों से लेकर जवानों की भर्ती तक के फैसले लिए गए। Критически важный объект Российской Федерации возможно только за счет усиления ключевых структур компонентов вооруженных сил. Нарастить объемы подготовки специалистов, учить военную безопасность государства, защитить новые, создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединений вооруженных сил, Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск на территориях новых субъектов. Дарасал, Украина ке сат жанг ке 11 махинон ме Зеленский не Рус ке аб так кариб 1.25 лакх сэнико ки мот ка дава кия хе. Рус ке ор се нэ сэнико ки бхарти ка элан यूक्रेन के इस दावे को और मजबूती दे रहा है। इसलिए रूस ने अब न सिर्फ रेगुलर सोल्जर की भर्ती करने का फैसला किया बल्कि कॉन्ट्रैक्ट पर सैनिकों की भर्ती का भी ऐलान किया है। यूक्रेन के साथ युद्ध में सैन्य उपकरणों की कमी न हो पाए, इसके लिए रक्षा मंत्री ने यह फैसला किया है कि रूस हथियार खरीद के समझौतों की तय मियाद तक हथियारों की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। रूस की सेना को मजबूती देने का ये फैसला क्रेमलिन से आए एक इशारे के बाद हुआ, जिसमें रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना को मजबूत करने की जरूरत बताई थी। उन्होंने कहा था, रूस के खिलाफ पश्चिम द्वारा छेड़े गए छद्म युद्ध के कारण मॉस्को को अपनी सेना को मजबूत करने की जरूरत है। रूसी पुरुषों के लिए सेना में सेवा करने के लिए एक वर्ष के लिए मसौदा आयु को स्थानांतरित करने के लिए दिसंबर में घोषित रक्षा मंत्रालय के प्रस्तावों पर काम किया जा रहा है।
मौजूदा वक्त में रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम हैं, जबकि अमेरिका दूसरे नंबर पर है। यही वजह है कि सैन्य ताकत में रूस से कई गुना ताकतवर होने के बावजूद नेटो देशों ने अब तक जंग के मैदान में खुलकर रूस का सामना नहीं किया, लेकिन यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर रूस को घुटने पर बैठाने की कोशिश में नेटो देशों ने पूरी ताकत झोंक दी है।